यहाँ भी पहुंच रहे हैं। ये मंदिर है भाई, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ जबलपुर से त्र्यंबकेश्वर वाया नासिक, नासिक होते हुए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नासिक। सुबह से बारिश हो रही है और अभी हम जा रहे हैं नासिक। पहुंचने के बाद एक कैब बुक कर ली है। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो अभी हम फिलहाल अभी वहाँ जा रहे हैं। तो भाई साहब, नासिक से जाने के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए चाहे तो आप बस कर सकते हो, जिसका फेयर है समथिंग 75 रुपीज पर पर्सन। और उसके अलावा चाहे तो आप कैब बुक कर सकते हो, जैसे हमने फिलहाल कैब बुक करी है लगभग 1200 रुपए में, क्योंकि हम लोग कई सारे लोग थे तो हम लोग को ठीक था। और क्या, फैमिली भी साथ में है तो थोड़ा कंफर्ट ज्यादा रहता है। भाई साहब, जैसे हम त्र्यंबकेश्वर पहुंचे तो हमें पता चला कि पूरे होटल्स बुक हैं, तो क्योंकि यहाँ पर अभी सावन स्टार्ट हुआ है तो सबसे ज़्यादा पीक टाइम रहता है, भीड़ चलती है, तो हमें जैसे तैसे एक लॉज मिली तो हमने वही ले ली। तो भाई फाइनली होटल मिलने के बाद, लेने के बाद, अब हम आ गए हैं आगे और जा रहे हैं मंदिर के साइड बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, ऐसा कुछ एंट्रेंस तो नहीं है यहाँ से, ऐसा कुछ रास्ता है जो बहुत शानदार लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा सा लग रहा है, क्या बताऊँ कैसी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। हाँ, कुछ प्रसाद मिल रहा है, बाकी हम जाते जा रहे हैं मंदिर के पास। फिलहाल अभी भी ले लिया है मैंने प्रसाद और मैं जा रहा हूँ आगे, एक बार लोगों को दिखाता हूँ। ये है मंदिर यहाँ पे। तो भाई साहब, अभी मैं फिलहाल लगा हुआ लाइन पे और कुछ भैया लोग ने जगह दे दी हम लोग को बीच से, वरना बहुत पीछे जाके लगना पड़ता। और आगे का दिखाता हूँ कुछ सीन, काफ़ी लंबी लाइन है, लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे बाद नंबर आएगा, तब तक वेट करना है। भाई साहब, एक लोकेशन मिल गई थी ऊपर से कैप्चर करने की, तो अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। लोग, ऐसी कुछ भीड़ आई है यहाँ से, और यहाँ से भी लाइन है, यहाँ देख पा रहे हो ऐसी, वो है मेरी फैमिली वहाँ पे। और अभी मैं भी वहाँ पर जाऊँगा साथ में, वापस से लाइन पे लगूँगा। तो अभी तक का सीन ऐसा कुछ है भाई, और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में, और अभी भी मुझे मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटा लग जाएगा आराम से। और फिर देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो लाइन पे ही लगना है काफ़ी देर। भाई साहब, बारिश स्टार्ट हो गई है, माहौल थोड़ा बिगड़ गया है और बहुत दिक्कत हो रही है। भाई वहाँ पर भी ऐसे राउंड चल रहे हैं, यहाँ से इतना राउंड कंप्लीट करने के बाद अभी उस साइड नंबर आएगा, वो भी वहाँ से पूरा जाके। तो अभी आए, अभी यहाँ से फिर दूसरे साइड जाएंगे, मतलब यहाँ से अभी आप मान के चलो 1 से 1.5 घंटा, जो कि हम प्रमाइसिस के अंदर हैं, फिर भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा आराम से। फिर भी एक अलग ही एनर्जी बनी हुई है, बाहर हो रही है बारिश और हम हैं मंदिर प्रमाइसिस के अंदर। और यहाँ पे हम जैसे ही अंदर आते हैं ना, तो पुलिस वाले सभी को बिस्किट्स देते हैं, बिस्किट्स मिली मुझे भी कुछ, और हम सभी को लगभग। भारत माता की।
पा रहे होगे, पीछे मंदिर है। बड़ी मेहनत से पहुंच पाए भाई सुबह से यहाँ पर, और अभी थोड़ा सा और दूर जाना है। ऐसे यहाँ पर भी अभी थोड़ी थोड़ी लाइन है। ये मंदिर है पीछे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और अभी पीछे और ऐसी लाइन है। अब मंदिर के पास पहुंचने के बाद अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई है, सब बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह, वेट कर रहे हैं लाइन के आगे बढ़ने का, और ऐसे ही आगे तक सब बैठे हुए हैं। तो भाई साहब सुबह से लाइन पे लगने के बाद अब जाके फाइनली मैं मंदिर के प्रमाइसेस में आया हूँ, प्रांगण में आया हूँ। और भाई इतना अच्छा लग रहा है भाई साहब कि क्या बताऊँ। देखो वैसे एंट्रेंस ये है, लेकिन यहाँ से ब्लॉक करके रखे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी ये देखो भाई, ये एंट्रेंस है यहाँ पर, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये मंदिर है भाई, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक। मंदिर के अंदर होता जा रहा हूँ, मैं जाता जा रहा हूँ। यहाँ पुलिस लगी हुई है, ये एंट्रेंस है। तो भाई यहाँ से अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो इसके अंदर शूट नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी मैं फिर यहाँ से निकल के करता हूँ आप लोगों से एंट्रेंस। यहाँ पर देखो बोर्ड भी लगा हुआ है कि इसके अंदर आप लोग को कैमरा ले जाके नहीं, अंदर ले जाना कैमरा अलाउ नहीं है। तो भाई साहब फाइनली दर्शन हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ बाहर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जिट एंट्रेंस तो दिखा दिया था और बीच में अंदर कैमरा अलाउ रहता नहीं है। ये देखो ये एग्जिट है और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ बाहर। भाई साहब सुबह से लाइन पे लगे हुए थे और अब जाके नंबर आया, अभी 4 बजे करीब। मेहनत सफल हुई, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, और अभी निकल आया हूँ मैं बाहर। तभी चलेंगे बाहर के साइड, क्योंकि फिर वापसी की ट्रेन भी है। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर जाना है वापस बाय रोड।